नमस्कार, आप ही लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर से। और राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए सुनते हैं। अपनी क्या बता भाई, कब जुड़ जा खड़ा, अपनी बात कह रहे हम, दूध का एग्रीमेंट हो रहा तो अपनी बात तो कहेंगे ना, सरकार से बातचीत करेंगे। हर पत्ते तो चाट चूट कर ठीक रखने चाहिए जब भी वे काम करेंगे। मुद्दा क्या रहेगा दूध को लेकर? दूध का मुद्दा रहेगा, अपनी बात बताओगे, दूध का एग्रीमेंट कैंसिल होंगे, पहले किसानों से बातचीत होगी। कोई भी किसानों के संबंध में एग्रीमेंट देश में होगा बगैर किसानों के नॉलेज के परमिशन के नहीं आएगा। विरोध करेंगे पूर्ण रूप से। दिल्ली घेरी जाएगी? क्या घेरा जाएगा, कौन घेरा जाएगा, वो तो टाइम बताऊंगा, लेकिन हमारा पूर्ण रूप से विरोध है। इशारा अपने मंच से ऐसा कुछ दिया? कहीं का इशारा मंच? हाँ, इशारा मंच से दे दिया अपना, तैयार रहो भाई, तैयार रहने के लिए तो कहा, फौज तैयार रहेगी, ये किसानों की फौज है, तैयार रहेगी ना, कहाँ जाना क्या करना ये सब तैयार है। एग्रीमेंट इस तरह के नहीं होंगे देश में। किस किस चीज का मुद्दा? जो भी किसानों संबंधी मुद्दा होगा वो बैठ के भारत सरकार बातचीत करे, ये तय हुआ है दिल्ली के आंदोलन में कि कोई भी फैसला करेंगे हम किसानों की मर्जी के खिलाफ नहीं करेंगे। क्या 22 रुपए किलो दूध बाहर की कंपनी बेच के, अमूल जैसी कंपनी ने कहा कि 10 रुपया लीटर हमको सब्सिडी चाहिए, तो जब हम बच सकता है अमूल जैसी कंपनी, तो जब अमूल कंपनी 10 रुपया लीटर लेगी तो किसान बच जाएगा? 22 रुपया लीटर में पूरा देश का पशु खत्म होगा, और क्या उसके बाद में हालात होंगे वो सबको पता है। आंदोलन पे एकजुटता थी, अब कहीं ना कहीं बिखरा हुआ सा नजर ना, कोई नहीं बिखरा हुआ, कौन बिखरा? चढ़ूनी ग्रुप कहाँ? अरे सब यही है ग्रुप, 4 महीने की छुट्टी पे जा रहे, अब कोई आदमी छुट्टी पे जाके कहाँ घूमने जा रहा, वो अपने घर का काम कर रहा, घूमने जा रहा कहीं, उसकी तो जिम्मेदारी है नहीं भाई। तो आप की तैयारी कर रहे हैं? हमने कहा कि 4 महीने की छुट्टी पे है, तो आप छुट्टी नहीं मना रहे सर? ना हम नहीं गए छुट्टी पे, ना ना कोई बता तो रहे ना, जिन लोगों को जाना, बहुत लोग गए, कुछ पंजाब के गए, कुछ यहाँ के गए, वे 4-4 महीने की छुट्टी पे है। छुट्टी का जब आ जाएंगे 4 महीने खत्म हो जाएंगे जब बताऊंगे हम। जम्मू कश्मीर जाने का भी विचार बना रहे हैं? एक तक एक तक एमएसपी को लेकर क्या तब एमएसपी पे गारंट, वो एक कमेटी बनाने की बात करी हमारी, 15 तारीख पे संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, 15 तारीख में हम सरकार से पूछ जाएंगे, जो लोग उस कमेटी में थे हमारी उनसे पूछ जाएंगे कि उनकी भारत सरकार से अभी कमेटी बनाने पे क्या बातचीत हुई। कमेटी बनी नहीं है वापस, आप जीत की खुशी बना रहे हो, उधर कृषि मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं, अभी तो कदम पीछे ही खींचा है। हाँ दे लें तो भाई, जिसके जो मर्ज है वो दे, इन किसानों को तो पता चल गया ना कि चौकस रहना, इसीलिए तो हमने कहा कि चौकस रही हो, वे बयान दे रहे हैं, उनका दर्द है ना, जिनके गोदाम बनवा दिए, दर्द है उनको कह रहे हैं वे, ये किसान अब देश का तैयार है पूर्ण रूप से। हाँ बिल्कुल सावधान है, हम देश का किसान सावधान है, जमीन नहीं बिकने देंगे। भारतीय किसान उनका चुनाव में उतरेगी? हाँ कर सके कोशिश, कोशिश तो कर सके। भारतीय किसान चुनाव में उतरेगी क्या? ना हम तो नहीं उतरते चुनाव में। हाँ अरे चुनाव है भाई, बच्चा यहाँ बजल लोगों, इसमें तक कितने इंदा लगेंगे आज, चार है तो 4 महीने की छुट्टी पे कौन कहाँ जा रहा हमें क्या पता भाई। संयुक्त मोर्चा चुनाव नहीं लड़ रहा, ना किसी का समर्थन कर रहा, हम तो अपनी बात बताएंगे ना, संयुक्त मोर्चे पे चुनाव आचार संहिता लगती। जो कृषि मंत्री तोमर ने कहा अभी तो हम एक कदम पीछे हटे फिर आगे बढ़ेंगे, वो किसान देख रहा उनको, उसने अगले दिन ही बयान वापसी ले लिया, और किसान को जागरूक होगी कि लगे कुछ भी कर सके, इनके जवाब देगा जब ये आएंगे ना वोट मांगने, तो इनसे क्वेश्चन करेंगे, इनकी हिम्मत नहीं है कि गामू में वोट मांगने चल जाएं। अब तो ये कह रहे जी हमारा समझौता होगा, किसान हमारे साथ में है जी, कहाँ हो रही रैली, कहाँ हो रही, कहाँ सी सरकारी रैली हो रही, आंगनबाड़ी वालों को ले जा, परसों वहाँ पे उधम सिंह नगर में थी कल मीटिंग उनकी, तो कल का रेट जो था उनका एक आदमी का 500 रुपया, एक शराब की बोतल और 8 पूरी, कल का रेट था ये, जो वो खाद गेरने वाले थे मजदूर उन्होंने कल मैंने कर दी जी हम नहीं आने गए यहाँ पे, आज का रेट 500 रुपया, हम पहले वहाँ पर चले जाए, तो किसान में के खेत में गेरने वाला जो खाद मजदूर हैं वो सब वहाँ पर जा रहे थे, 500 रुपया था रेट। तो
तो जो 500 रुपया रेट लेगा वो वोट देगा क्या इनको? सारा पैसे में फिर झगड़ा, कह लेगा जी बका के ले गए लखनऊ में, ले गए मीटिंग करने बनारस में, महिलाओं को आंगनबाड़ी को इनको सबको और दे के गाँव से भर के 10,000 का चेक मिलेगा। उनसे पूछ लो एक बार जाके, सरकारी मीटिंगें हो रही हैं, कोई मीटिंग नहीं हो रही, ये थी मीटिंग तो ये नहीं। इतनी बड़ी रैली जो कर रहे हैं, और कहाँ कर रहे हैं? यूपी में। कौन कह रहा? आप क्या कहते हैं, रैली नहीं हो रही ना, सरकारी मीटिंग हो रही है। देश जो है ओमिक्रोन को लेकर विवाद में है कि यूपी को। हाँ, हो रहा तो वहाँ आप कह रहे हो कि रैली, अरे, हो रही, रैली किसी और की हो रही है। किसकी हो रही है? बहुत किसी और की हो रही, दूसरों की हो रही, किसी कौन है दूसरे? बस दूसरा पता नहीं, और की हो रही, विपक्ष वालों की हो रही उनकी मीटिंग, विपक्ष वालों की हो रही इनकी ना हो रही। वो लाल झंडे दिखे तो मैं, वे लाल उनके नहीं, लाल भगवे नहीं, वे उनका रंग ये है लाल। आप नाम लेते हो क्यों नहीं? अरे हम क्यों किसी का नाम ले भाई, अपना काम जो करो कर रहा करो। देखो किसान आंदोलन तो मैदान साफ करा, जिसको बुआई करने बुआई कर लो। आ क्यों ले बीमारी हुआ, क्यों नाम ले भाई इनका किसी का? आपने भी लखनऊ में रैली की थी, हाँ करी, ठीक रही। क्या उसके पीछे ये मोटिव था कि कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा? नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ते, हम समर्थन भी नहीं करते किसी का, हम तो अपनी बात कहेंगे। सबका दे तो रहे, सबका साथ ही हम, हाँ सबका देंगे साथ, हाँ सबका साथ देंगे हम, सबका देंगे साथ। देखो देश में एक जनता का आंदोलन होगा जब ये देश बचेगा। यहाँ बाबा भीमराव करके जो संविधान था उनकी कोई अहमियत नहीं रही, कर दिया था और भुगतान हो जानी हम सब जनता को बता देंगे क्या करना। बड़े बड़े आंदोलन हुए लेकिन उन पर कभी भी आरोप नहीं लगा कि किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित है। आप पर आरोप लगा है विदेशी का भी और किसी राजनीतिक दल की विचारधारा। अरे वो तो उनका कर्जा बहुत रह रहा भाई, फंडिंग कोई नहीं दे रहा जी। यहाँ किसी ने एक टेंट नहीं दिया पॉलिटिकल पार्टी वालों ने, किसने कुछ नहीं दिया। ये तो सब जो कुछ दिया देश के किसानों ने दिया। टैनी का पद, हाँ टैनी हटा नहीं अभी उन्होंने, हाँ पढ़ा दो उसका कद पूछेंगे कौन कौन कहाँ कहाँ गया। पंजाब मैं कह रहा है कि उन्हें आ तो भाई छुट्टी काट के आ जान दो, छुट्टी तो किसी को शांति से काट लेने दो। उनसे पूछेंगे जरूर क्या उन्हें खोया क्या पाया। अब किसी पे मुकदमा दर्ज होगा, सरकारी नौकरी करता है कोई और जाकर मुकदमा दर्ज होगा, वो जेल में चला गया तो नौकरी तो गई उसकी। कुछ बर्खास्त हो जाएंगे, कुछ आ जाएंगे, कुछ जेलों में चले जाएंगे, कुछ कहीं और चले जाएंगे, कुछ आवेंगे। किसान आंदोलन में पंजाब का बहुत ज्यादा रोल बड़ा योग है और अब पंजाब में इलेक्शंस हैं और अरे इलेक्शन क्या सारे लड़ रहे नहीं चडूनी तो ना हम तो नहीं जा रहे। चडूनी ग्रुप जो है आज राजनीति में है, हाँ राजनीति है। मोर्चा का सदस्य आगे रहेगा या राजनीति में अलग होने के बाद आप सोचेंगे? अरे छुट्टी पे जा रहे हम, 4 महीने बाद बताऊंगे सब, आवेंगे यही आपसे पूछ जाएंगे फिर इनसे क्वेश्चन करना। छुट्टी पे जा रहे 4 महीने की, मतलब कौन अपने घर जा रहा है और कौन क्या कर रहा है, हम किसी के घर तक की निगरानी रखते भाई। सहारनपुर में देवबन के पास में बुच्चड़खाना मीरकपुर एक गांव है वहाँ पे, वो फार्मूला तैयार कर लेंगे, फार्मूला सीखाना पड़ेगा ना वहाँ से। वहाँ ट्रेनिंग सेंटर है बुच्चड़खाने की, है वहाँ 50 ट्रैक्टर थे, ट्रॉली लग रही थी और ट्रैक्टर बड़े काम की चीज है, कभी ये अगली तरफ से तोड़ फोड़ करे, कभी ये पिछली तरफ से तोड़ फोड़ करे, तो वहाँ उनकी दीवारें तोड़ी थी ट्रॉलियों से। तो एक बार सीखिया मैं और अपना उसके इस्तेमाल यहाँ पर कर ले, बस एक बार तोड़ना पड़ेगा अपने आप उचड़ खाने को, बस फिर नहीं खड़ा होने के लिए। तो आप लोग देख सकते थे ये राष्ट्रीय कैद है जिसके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग देख रहे थे लाइव तस्वीरों में। हम उस सबको दे दीजिए इजाजत, तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे अभी 24 के साथ, नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।